सब्सक्राइब कर लें टेक टू ग्लाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसी और वीडियो सबसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टू ग्लाइड में और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो क्या होती है ये टेक्नोलॉजी और क्यों इंस्टॉल की गई है मोबाइल के अंदर और क्या इसकी वर्किंग होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी कोई एकदम से नया टर्म नहीं है, जैसे साउमी ने पोको F1 में इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा नहीं है कि और भी मोबाइलों में नहीं आई है। इससे पहले भी ये कई मोबाइलों में आई है, जैसे कि सैमसंग का गैलेक्सी S7, नोट 8 और नोट 9। सैमसंग ने बोला है कि जो नोट 9 में ये टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट वर्किंग कर रही है और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे गैलेक्सी S7 के अंदर। और अगर सबसे कम बजट के अंदर किसी ने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है वो डेफिनेटली साउमी का पोको F1 है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि आज के टाइम में जो प्रोसेसर वगैरह आ रहे हैं वो काफी पावरफुल हैं और एफिशिएंसी उनकी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मोबाइल एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है और इसके अंदर हजारों कंपोनेंट लगे होते हैं जब जाके एक मोबाइल बनता है। तो जब ये कंपोनेंट्स अपनी 100% एफिशिएंसी के ऊपर वर्क करते हैं तो ये हीट करना भी शुरू कर, उस समय उनका टेम्परेचर हाइयर साइड में जाने लगता है। तो उस हाइयर साइड टेम्परेचर को जाने से रोकने के लिए हम लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर प्रोसेसर की अपनी एक लिमिट होती है और उस लिमिट पर रीच करने के बाद वो प्रोसेसर अपना प्रोसेस को लूज करना शुरू कर देता है, यानी कि परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिलेगी। जब वो कमी आती है इसी टर्म को हम कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। थर्मल थ्रॉटलिंग दोस्तों जब होती है, जब आप लगातार हैवी इंटेंसिव गेम्स वगैरह या आपने टास्किंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ऐसा कि सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़े, उस टाइम पे आपकी थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू हो जाती है। तो बेसिकली थर्मल थ्रॉटलिंग ये होती है कि आपका जो प्रोसेसर है उसे एक क्लॉक स्पीड पर फिक्स किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोसेसर 1.8 GHz पर क्लॉक किया गया है, लेकिन वो उनकी एक्चुअल स्पीड नहीं होती, ये इस क्लॉकिंग स्पीड को कम या ज्यादा कर लेते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। जैसे कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो ये अपनी प्रोसेसिंग को ज्यादा बढ़ा देगा, क्लॉक स्पीड को बढ़ा लेगा, और अगर आप एक टास्क चला रहे हो कोई लोड नहीं है सिस्टम के ऊपर तो ये अपनी स्पीड को घटा लेगा, जिससे कि आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिल जाती है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इसको डिजाइन किया जाता है। फैक्टर्स ये होते हैं कि आप कॉपर ट्यूब का बेस एरिया क्या होगा, उसके अंदर जो लिक्विड होगी उसकी अमाउंट कितनी होगी, और उसके बाद में उसके फ्लो करने का तरीका। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी बेसिकली इसके अंदर एक कॉपर की ट्यूब होती है, ट्यूब ज्यादा से ज्यादा 1 mm की होगी। अगर आप ज्यादा मोटी ट्यूब लगाएंगे तो आपके मोबाइल का डाया बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका डिवाइस बहुत मोटा दिखने लग जाएगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप एक मोटा डिवाइस कैरी करो। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, इसके अंदर में एक कॉपर ट्यूब होती है, कॉपर ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा होता है, वही लिक्विड पूरे साइकिल के अंदर फ्लो करता है। जैसे कि वो जाएगा प्रोसेसर तक, प्रोसेसर की हीट लेगा, इवेपोरेट कर होता है, इवेपोरेट होने के बाद में एक स्टोरिंग एरिया होता है इसका, उस चैम्बर में जाके स्टोर हो जाता है, फिर दोबारा से ये पूरा का पूरा साइकिल एक बार चल गई, फिर दोस्तों यही साइकिल बार बार चलती रहती है और आपका प्रोसेसर और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब अपनी एफिशिएंसी के साथ वर्क करते रहते हैं और आपका मोबाइल जो है आपको अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, और आपकी जो बैटरी लाइफ है इससे अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आपका मोबाइल हीट करेगा तो आपकी बैटरी भी बहुत जल्दी जल्दी जाना शुरू हो जाती है। ये वीडियो आपको देने वाला हूँ थर्मल थ्रॉटलिंग की। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताना आप जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे अगली एक ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।